हाँ वो मैं नीचे लिख दूंगी, लेकिन स्किन स्किन क्लियर है। यस मैम। ओके गुड। सो द क्वेश्चन इज दैट, द टॉपिक इज दैट फाइंड रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन है कि आपको 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द मेथड? द फर्स्ट स्टेप इज, हियर इज सॉल्यूशन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 4। तो आपको क्या करना है, 4 + 1 करना है, दैट इज 5। द फर्स्ट स्टेप इज आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 4 + उसमें एक 1 कीजिए, दैट इज 5। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई 3/5 एंड डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली 4 को 5 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एनी नंबर, आई एक्सप्लेन कैसे आएगा, एनी नंबर ग्रेटर देन 5। या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए या 5 से कोई भी बड़ा नंबर, चाहे तो आप 6 लो, 8 लो, 11 लो, 12 लो, 15 लो, बट द नंबर शुड बी 5 और ग्रेटर देन 5, ठीक है। दैट इज योर सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज 4 + 1, दैट इज 5। 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर, उसको आपको दो मल्टीप्लाई भी करना है, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों जगह मुझे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। यहाँ पे देखो, मैंने कल एक चीज बताई थी, 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ, 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 अगर डिनोमिनेटर में है, 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो 3 पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। कहने का मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर अगर 1 है, सो देयर इज नो चेंज इन न्यूमिरेटर, दैट इज क्लियर। ये हमने पढ़ा है 2 दिन में कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमिरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे न्यूमिरेटर में कुछ भी हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर 1000 हो, क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर हमें वापस मिलता है। सो कहने का मतलब है कि सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, 3 / 1 लिख दो समझने के लिए, ठीक है। रैशनल नंबर लिख रहे हैं, सो 3/1 इज अ रैशनल नंबर। हमने पढ़ा था कि हम 3 क्या था आपका, नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, और हमने पढ़ा था कि हम नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, हम नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 3 है और आपने उसके नीचे 1 लिख दिया तो 3 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, 3 इज ऑलवेज रिमेन 3, ठीक है। लेकिन 3/1 किसकी फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में, तो यस ये नेचुरल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यह हमने प्रूव किया है 2 दिन में। मैंने कम से कम 8 स्टेटमेंट लिखा है, 6 से 8, वहां पे हमने सारी चीजें देख ली थी, ओके। सो कहने का मतलब है कि हम नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, कब, जब उसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 1 हो, ओके। ये चीज तो क्लियर थी। अब हमें क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या आया, 3 × 5 15/5, 4 × 5 20/5। यहां तक क्लियर है सबको? तीर्थ, दयांश, अंधेरिया, यहां तक क्लियर है? ओके, व्हेनेवर आई आस्क कि क्लियर है, अगर आप बार बार माइक्रो,
फोन को अनम्यूट ना कर पाओ तो रेज योर हैंड, आपके ऑप्शंस में है रेज योर हैंड। व्हेनेवर यहाँ समझ में आया या क्लियर है तो आप वहाँ जाके रेज योर हैंड का क्लिक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि ये सबको क्लियर है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप इज, अब क्या करना है देखो, अब यहाँ पे डिवाइड मत करने लग जाना, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड मत कर देना, वही चीज हमने लिखी, हमने 3 को लिखा है 15/5 और 4 को लिखा है 20/5। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते तो 3 आएगा, इसको सॉल्व करते तो 4 आएगा, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, और रैशनल नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे? यहीं से। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर। ये क्या है? एक रैशनल नंबर। ठीक है, सो नाउ 4 रैशनल नंबर बिटवीन, अब किसके बीच में निकालेंगे 4 रैशनल नंबर? 15/5 एंड 20/5 इज, अब क्या हो जाएगा? आपने ये दो फ्रैक्शन निकाले, इन दोनों के बीच में हमें 4 नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों फ्रैक्शन जो आपको मिले हैं, इन दोनों के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो इन दोनों के बीच 4 रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं? 16/5, 17/5, 18/5, 19/5। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 4 रैशनल नंबर बिटवीन। स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने? 15/5 और एंडिंग हो गया 20/5। वेरी इजी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच आपको 4 पूछे गए हैं, तो 4 नंबर क्या होंगे? 15 से 20 के बीच की जर्नी के 5 नंबर छूट रहे हैं, 15 और 20 के बीच में कितना गैप है? 5 का। ठीक है, सो 15 से स्टार्ट करो, 15 अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके बाद 16, 17, 18, 19 एंड योर एंडिंग पॉइंट इज 20। आया समझ में? ओके गुड देरिया, इट इज क्लियर? यस मैम। पावन और तीर्थ? ओके गुड फाइन। अब मैं इसको बोलूँ आपको कि इसे आपके इसको नंबर लाइन पर हम कैसे लिखें, अगर आपको और इजी वे में करना है। ठीक है, और इजी वे में करना है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 15/5, यहाँ पर आप लिख लीजिए 20/5। ठीक है, नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। अब कितने 5 नंबर? 1, 2, 3, 4 एंड 5। Here is 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 and that is your end। तो ये कहलाएगा representation of rational numbers। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इन चारों नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके गुड। ओके, अगर अब मैं कहूँ कि 4 रैशनल नंबर की जगह आपको 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, कितने? 7। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो इसी मेथड से? 3 और 4 के बीच में ये मैंने 4 फाइंड आउट किए, अब मैं कहूं कि 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो अब क्या हो जाएगा? 7+1=8, 3 × 8/8, 4 × 8/8, that is 24/8 and that is 32/8। ठीक है, अब क्या करोगे आप? 24/8 से लेकर 32/8 के बीच में आपको 7 नंबर लिखने हैं।
ठीक है, आप वो सात नंबर कोई भी लिख सकते हो, आप वो सात नंबर कोई भी लिख सकते हो किसके बीच में, 24/8 और 32/8 के बीच में। ये नंबर क्या हो सकते हैं, ये हो गया 24/8 और ये हो गया 32/8। अब आपको सात नंबर लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 से नेक्स्ट 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8। हो गए सात नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट इज योर सेवन रैशनल नंबर। क्लियर है? तीनों को क्लियर है? जिसको भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके गुड, आप कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपके चैप्टर में 1.1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 1.1 में, आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ये आप खुद करोगे। ओके, इसलिए मैंने 3 और 4 लिया था। 3 और 4 की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनी नंबर। सो आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 4 मैंने बता दिए, 7 मैंने बता दिए, 6 आप खुद फाइंड आउट करोगे। ओके कर लोगे ना? यस मैम। ओके आई गिव यू रिप्लाई, दैट इज चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना है 5-6 रैशनल नंबर्स। सेकंड है ये तो हो गया, 3 और 4 क्या था आपका, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड जो है, अगर आपको दो फ्रैक्शन गिवन हो, तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे या कितने रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो फ्रैक्शंस हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर कहे हो कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि 6 फाइंड आउट करो, 7 फाइंड आउट करो, 8 फाइंड आउट करो। ओके, सो इसको कैसे करना है, सेम मेथड। अब देखो यहाँ पर मेथड इज सेम, सिर्फ चीज क्या चेंज हुई है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया। सिर्फ चीज क्या चेंज हुई है पहले वाले और इसमें से, कि यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब कि ये रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया या रैशनल नंबर हो गया, और पहले वाला क्या था, नेचुरल नंबर था। सेम मेथड है, अगर मैं कहूँ इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 6/4, ठीक है। क्वेश्चन है फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 6/4। सो मेथड इज सेम, कितने फाइंड आउट करने हैं, 5+1 इज इक्वल टू 6, या एनी नंबर ग्रेटर देन 6, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से कोई भी बड़ा नंबर, ठीक है। पहले हम 6 से देख लेते हैं, पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम मेथड, फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकंड स्टेप, 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6/4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहां तक ये स्टेप क्लियर है? सेम प्रोसेस
कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 5 + 1 = 6, 6 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, सेम थिंग यहाँ पे भी 6 को ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी डाउट है यहाँ तक? गिव मी रिप्लाई। ओके, आई थिंक देर इज प्रॉब्लम इन देरियास नेटवर्क। देरिया आपको कोई प्रॉब्लम हो रही क्या नेटवर्क में? यस मैम। बेटा प्लीज सॉल्व करो इसे, ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा, तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें बीच बीच में छूट जाएंगी। ओके, सो द सॉल्यूशन इज 3 × 6 18/24, 6 × 6 36/4 × 6 24। अब देखो मैंने क्या बोला था, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 6/4। मेथड हमने ये अपनाया 18/4। अब इन दोनों के बीच में आपको कोई भी 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, कोई भी 4 रैशनल नंबर्स। अब वो 4 रैशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नॉट इन अ सीक्वेंस, जैसे अभी हम सीक्वेंस में लिख रहे थे, ठीक है? सो इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू राइट 4 रैशनल नंबर इन अ सीक्वेंस, क्योंकि ये जो हम चीज कर रहे हैं वो ये प्रूव करने के लिए कर रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर, ठीक है? ये चीजें हम क्या शो करने के लिए कर रहे हैं कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है? ये तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए करना पड़ रहा है कि 4 चाहिए कि 6 चाहिए कि 4 फाइंड आउट करने हैं कि 6 फाइंड आउट करने हैं, बट द कंक्लूजन इज दैट अगर आपको कोई पूछे कि हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, सो द आंसर इज इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ओके, सो आप 18/24 और 36/24 के बीच में कोई भी 4 नंबर लिख सकते हैं, वो 4 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लाइक मैं लिख लूँ 20/24 लिख लूँ, 26/24 लिख लूँ, 19/24 लिखूँ या 32/24। आप 4 नंबर कुछ भी ले सकते हो, एनी नंबर, लेकिन कंडीशन क्या है इन दोनों के बीच, 18 और 36 के बीच में, ठीक है? दैट इज क्लियर। आप आंसर कुछ भी लिख सकते हो, एनी आंसर बिटवीन 18 and 36 या 18/24 एंड 36/24, बट द नंबर्स लाइज बिटवीन दिस, दोनों जो नंबर होंगे वो इन दोनों के बीच के होने चाहिए। दैट इज क्लियर मैम? यस मैम, आपने कहा था कि 5 नंबर्स फाइंड आउट करना, आपने तो 4 ही लिखे हैं। अच्छा 5 है ना, एक और लिख दो, एक और लिख दो, 27/24 कर दो, एक और कर दो ना मैम, भूल गए आप, लगा दो। ओके, सो मेथड समझ में आया? एनी डाउट? दयांश यू आर न्यू स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको सारे चीज क्लियर है जो अभी पढ़ाया है। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। सो चीजें समझ में आई क्या किया आज हमने? ओके गुड, दयांश सॉरी धैर्या, एनी डाउट? धैर्या ओके गुड, सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। सेम इसी मेथड से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू फाइंड
फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप कर सकते हो क्वेश्चन? दयांश आपके नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है, आपकी आवाज ब्लर हो रही है। ओके जिनका नेटवर्क इशू आ रहा है यू कैन राइट द आंसर इन चैट बॉक्स। ठीक है, आप चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हो कि यस मैम मैं कर सकता हूँ या मुझे नहीं होगा, जो भी एनी डाउट। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 या आप दोनों को, आप तीनों को खुद से करना है। ठीक है, एंड प्लीज कल भी मैंने बोला था दया धैर्या एंड तीर, आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट नहीं भेजा, होमवर्क नहीं किया आपने, और किया भी है तो मेरे पास नहीं आया। तो आपने मुझे सेंड क्यों नहीं किया? मैंने भेजा भेजा मैंने भेज दिया आपको। ओके ओके, मैंने चेक नहीं किया, सॉरी। एक्चुअली मुझे लगा कि आपका और आपके ब्रदर का सेम नंबर है ना, सो कभी मुझे पावन भी सेंड करता है तो मुझे लगता है कि वो आपका वाला भी पावन वाला ही है, मैंने इसलिए छोड़ दिया होगा। ओके धैर्या आपने किया? यस मैम भेज दिया आपको। ओके गुड, यस यस दयांश, ट्यूशन कॉपी में आप कोई भी नोटबुक बना लीजिए, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर डाल के रैशनल नंबर जो भी आज आपने लिखा है उसको अच्छे से लिख के प्रॉपरली, और जब भी मैं होमवर्क देती हूँ तो आपको ऊपर डिफाइन करना है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर दिस। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्योंकि आपको फेयर वर्क बनाना है, ऐसा नहीं खिचड़ी बना रहे हो सारा रफ कॉपी में हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। ओके, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी, जब आप रिवीजन करोगे अगेन नंबर सिस्टम को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें फटाफट से समझ में आने लगेंगी, यस कि ऐसे ऐसे हुआ था। ओके सो अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 0 इज अ रैशनल नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0 इज रैशनल नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज 0 अ रैशनल नंबर, यस गिव मी आंसर। स्टेटमेंट है क्या 0 एक रैशनल नंबर है तो क्यों है? एक मिनट, यस वाई एंड नो इज वाई। फर्स्ट धैर्या यू गिव मी आंसर, यस और नो? यस मैम है 0। क्यों है, क्यों है, वाई? यस आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई बट आई कैन अंडरस्टैंड मैम। हां बोलो मैम, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं? यस 0 तो नहीं लिख सकते। यस 0 अपॉन 1 मतलब कि आप 0 को 1 से डिवाइड करो तो क्या मिलता है? 0। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर हमें वही नंबर वापस मिलता है, सो वी कैन राइट 0, हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, सो 0/1 इज अ रैशनल नंबर। एक मिनट आराम से। ठीक है, सो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर का फॉर्म है, P/Q का फॉर्म है, सो द आंसर इज यस 0 इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज़ 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वी कैन एक्सप्रेस 0 एज ए P/Q, लेकिन Q में क्या है 1, और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, वी कैन राइट 0/1 इज राइट बट वी कैन नॉट राइट 1/0, दैट इज फॉल्स। व्हाई? इन मैथमेटिक्स व्हेनेवर यू डिवाइडेड एनी नंबर फ्रॉम 0, आप किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो देयर इज नो फिक्स वैल्यू, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इनफाइनाइट वैल्यू,
इनफाइनाइट वैल्यू। ये चीज तो क्लियर है कि कभी भी किसी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमें जीरो ही मिलता है, लेकिन किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आपके पास कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, कोई फिक्स वैल्यू आएगी ही नहीं, एरर दे देगा। ये क्या कंज्यूम करेगा? एरर, देयर इज अ एरर, या फिर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी से वी कांट राइट 1/0, वी कांट राइट 1/0, बट वी कैन राइट 0/1। ठीक है, क्लियर है? ओके गुड। सो आई थिंक टाइम इज ओके, एक चीज और पढ़ते हैं। चैप्टर 1.1 इज क्लियर, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट इज डन, सेकेंड एंड थर्ड आपको करना है, फोर्थ इज डन। ओके, फोर्थ भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में वी कांट एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सीधी सी डेफिनेशन है, रैशनल नंबर का अपोजिट, रैशनल नंबर का अपोजिट इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, वी कांट एक्सप्रेस इन फॉर्म p बाय क्यू फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो देखो। स्क्वायर रूट आपने पढ़ा है, स्क्वायर रूट आपने पढ़ा है। ओके, सो एग्जांपल क्या है इरेशनल नंबर की? एग्जांपल क्या है? रूट में कोई नंबर जैसे कि रूट फाइव, रूट थ्री, क्योंकि रूट फाइव की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जब भी आप रूट फाइव या स्क्वायर रूट निकालते हो फाइव का, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है, रूट थ्री की भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है, पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है। इस टाइप के नंबर जिसका कोई भी एंड नहीं है, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, एक तो होता है रूट फोर का, अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो टू आता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देना, जब भी आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो जिसका प्रॉपर स्क्वायर हो, टू का स्क्वायर फोर होता है तो फोर का स्क्वायर रूट टू आया, 25 का स्क्वायर रूट फाइव आता है क्योंकि फाइव का स्क्वायर क्या है? 25। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूं, रूट टू, रूट फाइव, रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट एट, रूट सेवन, दो टू से टेन के बीच में आप सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, वो है दो, बाकी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब जिसका एक फिक्स वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं बताना चाह रही हूँ। ऐसे नंबर जिनका एक फिक्स वैल्यू आए दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, और ऐसे नंबर जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है दैट इज कॉल्ड इनपरफेक्ट। ये कैसे नंबर है? इनपरफेक्ट, जो परफेक्ट ही नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। सो ये जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। पाई आपने पढ़ा हो जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7, ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसका कोई एंड ना हो डिवीजन के बाद,
वो भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। सो